हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे, फिर हम फिजिकल मैप को डिस्कस करेंगे, और जो भी करंट अफेयर है 2019 अभी अप्रैल तक, तो उस अप्रैल तक का हम करंट अफेयर भी यहाँ पे कंप्लीट है वो करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत है वो ना आए। तो सबसे पहले हम पहले यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये है देखो यूरोप का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे एक सेकेंड, पहले हम पेन ले लेते हैं ताकि समझने में। हाँ, जैसे कि यहाँ पे नॉर्वेन सी आप देख रहे हो, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, ये जो कि काफ़ी रिच कंट्री हैं और काफ़ी मतलब साइलेंट भी रहती हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी है, ये यहाँ पे नॉर्दर्न सी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे यूके है, ये यहाँ पे भी फ्रांस की लोकेशन हो गई, यहाँ पे स्पेन हो गया, यहाँ पे पोलैंड। देखो इन कंट्रीज़ की लोकेशन अगर आप दो तीन बार 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 देखोगे ना, तभी याद होंगी। ऐसा नहीं कि एक बार में सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप मैप को दो तीन बार रिवाइज है वो करें, ताकि आपको ये आइडिया हो कि भाई लोकेशन है कहाँ ऑलमोस्ट। जैसे आपको एग्जाम्पल है, मान लें कि यहाँ पे एग्जाम में कुछ पूछा जाता है कि आपको बताना है यहाँ पे फ्रांस के बारे में, और आप देख रहे हो कि फ्रांस यहाँ पे हो सकता है, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि भाई फ्रांस है किधर। एक मोटा मोटा में आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पर पोलैंड हो गया, यहाँ पर इंडोनेशिया होगा, लातविया होगा, लिथुआनिया हो गया, यहाँ पर बेलारूस हो गया, यहाँ पर यूक्रेन होगा। यूक्रेन का देखो नीचे वाला छोटे वाला हिस्सा है ना, इसको क्रीमिया कहते हैं, और इसी को लेके अभी काफ़ी विवाद भी हुआ था रशिया के बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। और इसी जो ये क्रीमिया है ना, ये अब एक्चुअली रशिया का पार्ट बन चुका है, और इसीलिए फिर जो G8 ग्रुप था ना, इसका नाम G7 कर दिया गया था, क्योंकि रशिया को इस क्रीमिया के हड़पने के चक्कर में एग्जिट करवा दिया गया था। फिर ये यहाँ पे हो गया रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये ग्रीस हो गया, यहाँ पे ये सर्बिया हो गया, यहाँ पे हंगरी हो गई, यहाँ पे स्लोवाकिया हो गया, और यहाँ पे इटली हो गई। वो इसी के साथ हमने ऑस्ट्रिया की लोकेशन देख ली, यहाँ पे चेक रिपब्लिक हो गया। तो जो मोटी मोटी हमने लोकेशन थे ना कंट्रीज की, वो हमने यहाँ पे कवर की। ये बीच में छोटी सी जो कंट्री दिख रही है, ये आपको दिख रही है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वर्ल्ड लेवल के, तो उनको भी हम यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ फैक्ट है, पहले वो हम देख लेते हैं। देखो कुछ कंट्रीज हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में आती हैं, जैसे कि रसिया है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि रसिया का हिस्सा है, जो कि कुछ हिस्सा यहाँ पे यूरोप में भी आता है और इसका मैक्सिमम हिस्सा एशिया में भी है। इसके साथ कजाकिस्तान है, इसका भी कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। इसी के साथ ही हम बात करें टर्की है, ये देखो टर्की रहा, इसका जो ऊपर यहाँ छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये रहा इस्तांबुल वाला, ये तो आता है यूरोप में, बाकी टर्की आते हैं इंडिया में, सॉरी मतलब एशिया में। इसी के साथ ही जॉर्जिया कंट्री है, तो वो उस कंट्री का भी कुछ, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे जॉर्जिया, इसका भी कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट कंट्री थी अजरबैजान, ये यहाँ पे अजरबैजान, इसमें भी ये सीन है, कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा एशिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन रेंज है, और वही आपको बताया कि एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है। इसीलिए ये जो कुछ कंट्रीज मैंने आपको बताई, ये पांच कंट्री हैं बेसिकली, रसिया, टर्की, कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये एशिया और यूरोप दोनों में आती हैं। इसके साथ ही कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें, एक तो है अर्मेनिया, ये यहाँ पे अर्मेनिया देखो, ये दिख रही है ना आपको छोटी सी कंट्री, यहाँ अभी नाम नहीं दिख रहा होगा आपको, ये है अर्मेनिया जॉर्जिया के नीचे की साइड, ये अर्मेनिया, और एक है यहाँ पे साइप्रस, साइप्रस यहाँ पे नीचे है, ये आपको पता होगा मेडिटेरेनियन सी में। साइप्रस और अर्मेनिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पॉलिटिकली रूप से तो यूरोप में आती हैं, और बाकी इनकी जो लोकेशन है वो है एशिया में, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी एशिया में है, बाकी पॉलिटिकल जो इनका रिप्रेजेंटेशन या जो ग्रुप है वो इनका यूरोप के साथ कोएलिशन करता है। तो ये आपको मोटे मोटे थोड़े फैक्ट हैं वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं, एक सेकंड आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आसपास के, वो हम कवर करते हैं। ये यहाँ पे ब्लैक सी है, अभी देखो करंट में ये था कि यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, ये रहा दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पे कर्च स्ट्रेट जो कि क्रीमिया के पास में, यहाँ पे तो है सी ऑफ अजो और ये है ब्लैक सी, मतलब ब्लैक सी और सी ऑफ अजो को कनेक्ट करती है कर्च स्ट्रेट। और अभी यहाँ पे कुछ शिप वगैरह को लेके इंडिया के कुछ लोग हैं वो मारे वगैरह गए थे, तो न्यूज़ में रही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कर्च स्ट्रेट की लोकेशन है कहाँ पे, किसको किसके साथ कनेक्ट है वो करती है, क्योंकि ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ ही फिर हम बात करें ब्लैक सी के पास वाले कंट्रीज़ में, देखो जॉर्जिया आता है, खैर यूपीएससी ऐसा कुछ तो नहीं पूछेगी मेनली, वो कैस्पियन सी के बारे में ही पूछती है कि उसका कुछ हिस्सा इंडिया में मतलब एशियन ज़्यादा आता है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बात करें और टर्की इसके आसपास है, ये देखो यहाँ पर इस्तांबुल है, टर्की और इस्तांबुल के बीच में भी एक स्टेट है यहाँ पर, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई कौन सी स्टेट है जो ब्लैक सी और यहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है इसको कनेक्ट करती है, या फिर टर्की और इस्तांबुल को अलग अलग करती है, ये आपको बताना है। ये ग्रीस की लोकेशन आप इंपॉर्टेंट देख सकते हो, और ये यहाँ पे कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज़ हमने डिस्कस भी की थी, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे रसिया वाला पार्ट है, यहाँ पे अजरबैजान है, और यहाँ पे ईरान है, तो मेनली पांच कंट्री हैं, तो वो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया कि भाई ये कैस्पियन सी के
केस्पेंसी के आपको ध्यान रखना है, ये एक झील है, कोई समुद्र नहीं है, ये एक झील एक तरह की। अब हम देखते हैं आगे फिजिकल मैप की तरफ चलते हैं, इससे पहले भी कुछ एक दो जो लोकेशन है वो देखते हैं। देखो आपने कैटालोनिया का इशू सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था। तो फ्रांस है ना, ये रहा फ्रांस, और यहाँ पे इसका कैटालोनिया एक ऑटोनोमस प्रोविंस या ऑटोनोमिक स्टेट है एक तरह का, तो इस वाले हिस्से में है। एक्चुअली है क्या कि जो कैटालोनिया है ना वो वैसे काफ़ी अमीर है, मतलब उसके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए उनका बार बार ऐसा आरोप रहता है कि भाई फ्रांस के जो बाकी हिस्सा है ना इसमें हमारी इनकम की वजह से काम चलता है और हमें इसका प्रॉफिट कम मिल पाता है, और वो कहते हैं कि हमारी अलग लैंग्वेज है, हमें मतलब प्रेशराइज किया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो अलग होने की मांग बार बार करते हैं। तो उसकी लोकेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कैटालोनिया है वो फ्रांस के इस वाले हिस्से में है जो कि मेडिटेरियन सी और स्पेन को टच करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं और इम्पोर्टेंट, हाँ ये डेनमार्क की देखो लोकेशन आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे डेनमार्क देखो आपको दिख रहा होगा छोटी सी पूंछ के तौर पे, यहाँ पे हॉलैंड हो गया, ये बेल्जियम छोटी सी कंट्री आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये थी बेल्जियम, और इस बिल्डिंग के जस्ट पास में यहाँ पे लक्सबर्ग एक छोटी सी सिटी दिख रही होगी डोरसा, यहाँ पे आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे बात करें और हंगरी की लोकेशन ही है, अभी न्यूज़ में भी था हंगरी, और यहाँ पे चेक रिपब्लिक की लोकेशन ही है, ऑस्ट्रिया की लोकेशन ही है, जर्मनी की लोकेशन ही है, और ये यहाँ पे दिख रहा है जो व्हाइट वाला ये है स्विट्जरलैंड, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर ये यहाँ पे है इटली, ये इटली की लोकेशन आप देख रहे हो, साइप्रस देखो यहाँ पे है, हल्का सा डॉट सा आपको दिख रहा होगा, ये है साइप्रस मेनली। फिर ये यहाँ पे ग्रीस की लोकेशन देख रहे हैं, ये सोलामिना हम देख लिया, ये रोमानिया हो गया यहाँ पे, और हम बात करें ये तीन कंट्री बाल्टिक में आती हैं, बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं इनको, इथोनेशिया, लातविया और लिथानिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, और ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं तीन, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये क्या है काफ़ी अमीर कंट्रीज है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और यहाँ पे गल्फ ही है, गल्फ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ बोथानिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथानिया है, यहाँ पे बाल्टिक सी है, जो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे और भी देख लेते हैं एक सेकेंड, अब हम चलते हैं फिजिकल मैप की तरफ। देखो फिजिकल मैप में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सबसे पहले जैसे हमने एशिया में भी डिस्कस किया था कि एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, ये तो होगा यहाँ पे यूराल माउंटेन आपको दिख रहा है, इसके बाद में देखो ये यूराल रिवर आपको दिख रही है, क्लियर दिख रही होगी, इसके बाद में केस्पेंसी आ गया, यहाँ पे काकेसस माउंटेन आ गया, ये ब्लैक सी आ गया, तो ये मेनली ये जो है इस पाँच चीज़ें हो गई ये एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। काकेसस माउंटेन की जो या हम बात करें यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है इल्ब्रुस, जिसकी हाइट है 5642 मीटर और ये बेसिकली काकेसस माउंटेन पे है। ध्यान रखना इल्ब्रुस माउंटेन कहाँ पे है, यूरोप में है, और जब बात करें इल्ब्रुज, मैंने आपको कल भी बताया था मलेशिया वाले में कि इल्ब्रुज है वो है ईरान में है, ना कि यहाँ पे है, आपको ध्यान में रखना है इल्ब्रुस और इल्ब्रुज दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ये यहाँ पे सी ऑफ अजोव हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, और ये मेनली क्रीमियन पेनिनसुला, इसको क्रीमिया के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था। अब देखो ये ध्यान रखना है कैस्पियन सी में मेनली दो नदियाँ गिरती हैं, एक तो यूराल नदी है वो कैस्पियन सी में गिरती है, एक है वोल्गा रिवर है जो कि हम बात करें रशिया के यूरोप की इंपॉर्टेंट रिवर है, ये देख रहे हो आप काफ़ी दूर से बहती हुई दर्शा आ रही है, ये वोल्गा रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी कैस्पियन सी में जाके गिरती है। इसके साथ ही हम बात करें ऊपर की तरफ तो देखो स्कैंडिनेवियन माउंटेन आपको दिख रहा होगा, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनके बीच में यहाँ पे माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे कोला पेनिनसुला है, ये देख सकते हो आप, ये रशिया के अंतर्गत है कोला पेनिनसुला, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली इसलिए रहता है क्योंकि जब रशिया में सर्दी होती है ना तो उस दौरान भी ये जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है ना, ये जो पानी वाला आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जमता नहीं है, मतलब यहाँ पे फ्रीज नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे सिप वगैरह वो इस रास्ते से ऐसे होते होते रशिया की सप्लाई वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि आर्कटिक सी वगैरह तो उस टाइम पर जम जाते हैं एक तरीके से। अब देखो रशिया सॉरी मतलब बात करें यूरोप में दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो दोनों ही मेनली वैसे तो रशिया में आती हैं, एक तो यहाँ पे लेक लाडोगा और एक है लेक ओनेगा। लेक लाडोगा वो सबसे बड़ी है, ये दिख रही होगी आपको, और ये है लेक ओनेगा, ये दिख रही होगी आपको, तो ये ध्यान रखने, दोनों रशिया में ही आती हैं बेसिकली, और ये सबसे बड़ी हैं यूरोप की, मतलब ये सबसे बड़ी है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर हम यहाँ पे बात करें बाल्टिक सी, हमने डिस्कस कर लिया, ये नॉर्थ सी की लोकेशन हमने यहाँ पे देख ली है, यहाँ पे जूटलैंड बोलते हैं इसको, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो डेनमार्क वाला ऐसे इसको जूटलैंड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जूट का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो ये ध्यान रखना है कि डेनमार्क वाले इस हिस्से को जूटलैंड के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे और देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवर, देखो रिवर की हम बात करें तो यहाँ पे एक तो है एल्ब रिवर है, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एल्ब रिवर दिख रही होगी अच्छे से क्लियर, ये देखो ऐसे फ्लो करती हुई यहाँ जाके इधर गिर रही है। इसके बाद में एक राइन रिवर है, ये रही राइन रिवर आपको दिख रही है, जो कि नॉर्थ सी में जाके गिरती है, और ये यहाँ पे आपको पता है इंग्लिश जल या डोवर जल संधि है, अब ये तो आपको पता है ओबियसली किस किस को लग रही है, तो वो तो हम देख लेंगे यहाँ पे, ये है बे ऑफ बिस्के,
ये ध्यान रखना ब्योर बिस्के कहाँ पे हैं। और इसी के साथ ही हम बात करें, और यहाँ पे ये है डेन्यूब नदी जो यूरोप की इंपॉर्टेंट नदियों में आती है। डेन्यूब नदी ये रही आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये देखो ये रही डेन्यूब नदी। और इसी के साथ ही यहाँ पे एक डेनेपर रिवर है जो ये रही, ये डेनेपर रिवर जो कि मेनली ब्लैक सी वाले हिस्से में जाके यहाँ पे गिर रही है। डॉन रिवर भी इम्पोर्टेंट है, डॉन रिवर कहाँ पे गिरती है ये भी ब्लैक सी है, हम बात करें सी ऑफ अजोव में गिरती है मेनली। अब यूपीएससी अगर वहाँ आपको ब्लैक सी का ऑप्शन दे तो ऑब्वियसली ब्लैक सी में गिर रही है। अगर आपको मिले कि सी ऑफ अजोव में गिरती है डॉन रिवर तो सही आंसर होगा सी ऑफ अजोव ही। तो ये ध्यान रखना है कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों में जो भी आपको मिले मेनली सी ऑफ अजोव ही यूपीएससी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देगी। और हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पे ये देखो ये माउंटेन है जाए कैरेबियन माउंटेन दिख रही होगी आपको, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये मेनली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में आती है, देखो ये सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप वाले हिस्से में ये रेंज, तो ये आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे इसकी लोकेशन। इतना इतना ही आइडिया होना तो ही बहुत है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि हमें एग्जैक्टली लोकेशन ध्यान रखनी है कि कितना परसेंट ऐसा कौन से देश वगैरह में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने जो राइन रिवर देखी नहीं, ये देखो आप देख रहे हो कुछ कंट्रीज़ का बॉर्डर बना रही है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो मेनली जो राइन रिवर है यहाँ पे जर्मनी कंट्री है, तो जर्मनी की है इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई देखो जर्मनी यहाँ पे है, ये जर्मनी वाला हिस्सा है। यहाँ पे आप देखोगे ये फ्रांस हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्पेन हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पुर्तगाल हो गया है। तो ये मेनली मैंने मोटी मोटी लोकेशन आपको बता दी। तो राइन रिवर है वो मेनली जर्मनी की इंपॉर्टेंट रिवर है, काफ़ी देशों की सीमा बनाती है। ये जो राइन रिवर है ना ये यहाँ पे छोटी सी जो कंट्री थी स्विट्जरलैंड वहाँ से ओरिजिन होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गिरती कहाँ पे है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। अब हम बात करें यहाँ पे एक एल्ब रिवर दिख रही होगी आपको, ये एल्ब रिवर है ना ये बेसिकली यहाँ पे काराकोनस माउंटेन रेंज है, जो इसमें एक्चुअली दिखाई नहीं दिया कि यहीं पे काराकोनस माउंटेन रेंज वहाँ से बेसिकली निकलती है, जो कि देखो आपने हमने डिस्कस किया था एक सेकेंड कहाँ गया वो, ये रहा चेक रिपब्लिक जो कंट्री है ना यहाँ से है वो काराकोनस माउंटेन, यहाँ से निकलती है वो रिवर, फिर ऐसे फ्लो करते हुए जाके गिरती है। गिरती कहाँ पे है जो मैंने आपको बताया नॉर्थ सी में, यहाँ से निकल ऐसे निकलते निकलते नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है, तो वो जर्मनी के अंदर भी गिरती है। और हम यहाँ पे बात करें डेन्यूब या डॉनबे रिवर कहाँ गई हमारी, ये रही डॉनबे रिवर है, ये बेसिकली कहाँ गिरती है काला सागर में गिरती है, तो ये यूपीएससी पूछ सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉर्थ सी में गिर रही हैं, यहाँ पे काला सी में या काला सागर में जाके गिर रही है। अब और आइबेरियन पेनिनसुला भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये देखो डेन्यूब जो रिवर है ना ये इसका मैक्सिमम हिस्सा वैसे रशिया में फ्लो करता है, और ये ऐसे यूरोप की है ना चौथी सबसे लंबी नदी है वह, और ये रशिया के काला सागर में गिर रही है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। डॉन रिवर हमने देख लिया सी ऑफ अजोव में जाके गिर रही है। वोल्गा रिवर जैसा मैंने हमने कल भी डिस्कस किया था एशिया ओलंपिक में कि भैया इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया की, और हम बात करें यूरोप की भी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसका मैक्सिमम हिस्सा है वो रशिया में बहता है। और जिस तरीके से भारत की इंपॉर्टेंट नदी है गंगा, उसी तरीके से रशिया की नेशनल नदी भी है ये, आपको ध्यान में रखना है वोल्गा नदी। गिरती कहाँ पे, कैस्पियन सी में जाके गिरती है। और हम देखते हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हम आपके जो लेक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। वैसे तो हमने लेक तो देखो हमने देख ली थी जो इम्पोर्टेंट है, एक तो लेक ओनेगा देखी थी, लेक लाडोना देखी थी, और इसी के साथ ही एक लेक है वाने, तो ये भी आप थोड़ा देखना है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो तीन देख ली हमने बहुत है हमारे लिए, ज़्यादा कुछ काम का यहाँ पे है नहीं। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी हमने यहाँ पे देख लिया, चलते हैं अब आगे। आगे देखो ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज़ या हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर गिरते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेनेपर रिवर है वो यहाँ पे के गिर रही है, डेन्यूब रिवर है वो भी इधर आके डेल्टा बना रही है आपको दिख रहा है, इसके साथ ही हमने डॉन रिवर देखा वो भी यहाँ के गिर रही है, और देखो ये है सी ऑफ अजोव दिख रहा होगा, और ये है यहाँ पे ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में देखो ये रहा कर्च, यहाँ पे कर्च स्टेट है ये दिख रहा होगा पतला सा ही, तो ये भी हमने डिस्कस किया। ये है क्रीमिया जो कि अभी रशिया के अंतर्गत आता है, और ये यहाँ पे और हम बात करें तो देखो ये रहा जो आपको दिख रहा होगा सी, यहाँ पे मरमरा, सी ऑफ मरमरा है, इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये तो इस्तांबुल, और ये इधर वाला पूरा हिस्सा है टर्की में ही है, दोनों ही क्या टर्की के हिस्से हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो स्ट्रेट दिख रहा है ये है बेसिकली स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोर्स, ये रहा बॉस्फोर्स, तो आपको ध्यान रखना स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोर्स है वो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी दोनों को कनेक्ट है वो करती है, तो ऐसे इफेक्ट कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। और हम यहाँ पे देखें अब हम स्कैंडिनेवियन कंट्री सॉरी वो स्विट्जरलैंड के बारे में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिस वगैरह हैं। देखो स्विट्जरलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, एक तो है बासेल, एक है यहाँ पे हम और बात करें जिनेवा, और एक है यहाँ पे दाओस, तो मेनली इनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे न्यूज़ में रहते हैं। सबसे पहले हम दाओस से स्टार्ट करते हैं। देखो दाओस में आपको पता है कि हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है जनवरी में, विंटर्स में एनुअल सबमिट होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर वहाँ पर डिस्कशन की जाती है, तो वो दाओस में होता है हर साल सबमिट। लोकेशन कहाँ पर है ये हमने देख ली। इसके बाद में देखते हैं बासेल, आपने देखो बासेल नॉर्म्स देखे होंगे काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुने हैं, बैंकिंग स्टैंडर्ड वगैरह, तो वो सारे बासेल सिटी के नाम पर ही हैं। और ये इसी के साथ ही बासेल कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा जो कि हजार्डस वेस्ट को लेकर 1989 में आई थी,
कि भाई एक कंट्री से जो हजारडस केमिकल या जो भी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको मतलब प्रॉपर पैकिंग वगैरह को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, तो वो थी बासेल नॉर्म्स। तो बासेल दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बासेल नॉर्म्स और बासेल जो कन्वेंशन है वो। और हम यहाँ पे बात करें जिनेवा, जिनेवा इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट लोकेशन थी स्विट्जरलैंड में वो हमने यहाँ पे कवर की है। और यहाँ पे एक लेक भी है स्विट्जरलैंड की जो कि दिख रही है आपको। तो मैंने मोटी मोटी लोकेशन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब देखो दो चार फैक्ट और रह गए, उनको हम देख लेते हैं थोड़ा इधर। ये देखो ब्रिटेन आपको दिख रहा होगा, यूके। तो यूके में देखो दो चार फैक्ट क्या है कि यहाँ पे जो छोटा सा आपको जो दिख रहा है ना, खैर नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये है इरिसी, जो हिस्सा ये दिख रहा है ना ये वाला, ये है इरिसी। तो आपको ध्यान में रखना है इरिसी की लोकेशन कहाँ पे है, और ये यह है यहाँ पे नॉर्थ चैनल। तो ध्यान रखना नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, ये है नॉर्थ चैनल की लोकेशन, नॉर्थ सी है और नॉर्थ जो चैनल है हम बात करें, सॉरी हाँ नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, ये रहा नॉर्थ चैनल। मेनली हम बात करें तो ये यूके के हिस्से ही हैं। देखो ऊपर वाला हिस्सा ना ये भी यूके के अंतर्गत ही आता है, और ये इधर भी पूरा भी यूके है, और ये जो हिस्सा है ना ये अलग से यहाँ पे कंट्री है आयरलैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नीचे वाला आयरलैंड अलग कंट्री है, ये ऊपर थोड़ा वाला हिस्सा और ये पूरा दोनों यूके हैं, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, सॉरी वो नॉर्थ चैनल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ ही हम बात करें, देखो यहाँ पे रिवर दिख रही होगी आपको, एक सेकंड रुको मैं पहले इरेजर ले लेता हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पे आपको रिवर दिख रही होगी, ये है टेम्स रिवर या थेम्स रिवर, जिसके किनारे जो यूके की कैपिटल है, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, वो यहीं पे स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ माउंटेन रह गए हैं, उन माउंटेन को हम कवर करते हैं, कौन कौन से कहाँ पे हैं। देखो एक सेकेंड कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा जो पेरिजी माउंटेन है ना, ये कहाँ पे है, पेरिजी माउंटेन है वो बेसिकली हमें ध्यान में रखने हैं कि पेरिजी स्पेन, ये देखो यहाँ पे होगा स्पेन और ये यहाँ पे होगा फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है पेरिजी माउंटेन, और इसी के साथ ही ये हो गया ना यहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस और हम बात करें यहाँ पे और कौन सी कंट्री होगी, ये स्विट्जरलैंड होगी। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के किनारे पे यहाँ पे जूरा माउंटेन है, तो कोई एक दूसरा मैप होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ इसमें दिख जाएगा आपको कहाँ गया, हाँ ये रहा देखो फ्रांस और ये रहा स्विट्जरलैंड। देखो इसके किनारे पे आपको दिख रहा होगा ये जूरा माउंटेन है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा माउंटेन रेंज बनाती है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ब्लैक फॉरेस्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखो इधर पूरा फ्रांस का हिस्सा है, ये यहाँ पे जर्मनी है, तो यहाँ पे बना रही है, और जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वो देखो यहाँ पे साइन रिवर के किनारे है, ये दिख रही होगी आपको, साइन नदी यहाँ से होते हुए बह के यहाँ पे जाके गिर रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बात हम करें फ्रांस के बारे में और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, स्पेन और फ्रांस के बीच में पेरिजी हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया, ये आइबेरियन पेनिनसुला है जिसमें पुर्तगाल स्पेन मेनली दो कंट्रीज आती हैं। इसके साथ ही एक और यहाँ पे वास्जिस माउंटेन और है, वास्जिस माउंटेन है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये तो हो गया देखो फ्रांस और ये हो गया यहाँ पे जर्मनी, तो इसके बीच में यहाँ पे भी वास्जिस माउंटेन भी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में वास्जिस माउंटेन है। और हम बात करें ये रहा हमारा इटली, इटली में दो वोल्केनिक माउंटेन है, एक तो है विसुवियस, ये रहा आपको दिख रहा होगा माउंट विसुवियस, और एक है माउंट एटना, माउंट एटना है माउंट इटलिया से, याद रख सकते हो इसको, जो यहाँ पे है और माउंट विसुवियस यहाँ पे है। और इसी के साथ ही यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका भी हमने यहाँ पे देख लेते हैं, अल्पेन माउंटेन रेंज, तो ये भी इटली के अंतर्गत आती है। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और हम यहाँ पे बात करें तो इम्पोर्टेंट और क्या रह जाता है, एक सेकेंड रुको, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना भूमध्य मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यहाँ पे इसी के इटली के अंतर्गत आता है वैसे माउंट स्टोमबेली, जो अंदर यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ अंदर की साइड है माउंट स्टोमबेली, वो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी लोकेशन कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ ये रह गया आल्प्स माउंटेन रह गया, ये देखो आल्प्स माउंटेन आपको दिख रहा होगा, आल्प्स माउंटेन है ना वो, देखो इधर तो फ्रांस हो गया और इधर हो गया इटली, तो फ्रांस और इटली के बीच में इधर बॉर्डर बनाता है आल्प्स माउंटेन। तो ये आपको तीन चार फैक्ट ध्यान में रखने कि कौन सा किसका बॉर्डर बनाता है, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स माउंटेन है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में आपको दिख रहा होगा ये जूरा माउंटेन रेंज है, और इसी के बाद में फ्रांस और जर्मनी है, इसके बीच में यहाँ पे आपको वास्जेस माउंटेन या ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन दोनों दिख रहे होंगे। इसके साथ ही स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पे पेरिजी माउंटेन रेंज है वो दिख रहा होगा, यहाँ पे कैटालोनिया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि आइबेरियन पेनिनसुला है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि ये स्टेट है ना, ये वैसे तो यूके के अंडर आती है, और ये आपको पता है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग है वो करती है। और ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसको हमने यहाँ पे कवर किया, अगर कुछ रह गया हो तो हम फिर देख लेंगे, बट ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारा कवर कर लिया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।